Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके बताना ना भूलें आज का वीडियो आपको कैसा लगा. इस टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं. कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें. रोज 11 बजे एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ और बहुत बार दिन में दो वीडियोस भी अपलोड हो जाते हैं. तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है फिर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कोई भी वीडियो मिस ना करें. गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें. गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं इतने सारे एक्साइटिंग प्राइजेस. तो इसको बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो को स्टार्टिंग सेंटेंस जरूर देखें. स्टार्ट करें आज का वीडियो. की रिक्वेस्ट आई कि आपको मैं बताऊँ कि होममेड जिंजर पाउडर कैसे बनाते हैं. अगर आपने टी मसाला की रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो उसको जरूर चेकआउट करें. आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है तो देखना तो बनता है ना. उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जरूर चेकआउट कर लें. और ये जो जिंजर पाउडर हमने घर पर बनाया है बहुत ही ईजी है इसको बनाना और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. इस वीडियो में जिंजर पाउडर बनाने के साथ साथ उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. जिंजर पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है. वॉश करने के बाद हल्का सा आप इसको सुखा भी सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल इसको ऐसे ही यूज कीजिए. उसके बाद मैं स्पून की हेल्प से इसका जितना भी छिलका है उसको उतार लूंगी. अगर आप छिलका उतारना ना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जिंजर पाउडर बना रहे हैं तो छिलका भी जिंजर का काफी ज्यादा यूजफुल होता है. तो इस तरीके से आप स्पून की हेल्प से इसको बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे. आप देख ही सकते हैं नाइफ का यूज ना करें, अदरवाइज हाथ कटने का डर रहता है. स्पून की हेल्प से बहुत ही इजीली इसका सारा छिलका निकल जाता है. तो मैंने यहाँ पर सारा का सारा जिंजर छील कर रख लिया है और जो छिलका इसमें से बचा है उसको भी आपको फेंकना नहीं है. इसको आप चाय में डालकर यूज कर सकते हैं. तो इसको भी मैं रख दूंगी एक साइड में. और आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेटर का यूज कर सकते हैं. ग्रेटर में इस तरीके से आप इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि हाथ कटने का डर रहता है और काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है. मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी वजह से आप कभी भी बहुत ही इजीली जिंजर पाउडर बना सकते हैं. तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ चॉपर का. इसमें आपको अदरक को कुछ इस टाइप से कट करके ऐड कर देना है. और इस चॉपर से ना आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. इस चॉपर का रिव्यू भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा काम का है. तो एक बार इसको खरीद जरूर लीजिए, सस्ता ही आता है, एक बार ट्राई जरूर करें. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जिंजर काट कर इसमें ऐड कर दिया है. उसके बाद बस इसको दो तीन बार मैं पुल करूंगी और आपका जिंजर अच्छे से चॉप हो जाएगा. और यही तो हमें चाहिए था. बस इस तरीके से आप इसको चॉप कर लीजिए, ग्रेट करने की भी झंझट बिल्कुल खत्म. तो इस तरीके से जब ये चॉप हो जाए इसके बाद आप इसे किसी भी पेपर पर या फिर कपड़े पर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए. तो मैंने यहाँ पर फिलारी से कपड़े पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है. जो थोड़े बड़े बड़े पीसेज हैं उनको अगेन आप चॉप कर सकते हैं. कपड़े पर इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए और इसको एक दिन तक ऐसे ही धूप में छोड़ दीजिए. एक दिन के बाद आप इसे कपड़े से किसी पेपर पर ट्रांसफर कर दीजिए ताकि ये जल्दी से सूख जाए. तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा अदरक बहुत ही इजीली चॉप हो चुका है. तो मैं यहाँ पर इसको धूप में फैला रही हूँ. धूप में आप इसको 3 से 4 दिन की धूप इस तरीके से दिखाएंगे तो 4 दिन में ही अदरक बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाता है. चाहे तो आप इसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा भी ढक सकते हैं ताकि इसमें कोई गंदगी ना जाए. 5 से 6 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि अदरक बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है. जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही ड्राई हो चुका है. अगर धूप थोड़ी कम है तो आप इसे 7 से 8 दिन भी धूप में रख सकते हैं. और इसके बाद आपको बस इसे ऐड करना है एक मिक्सिंग जार में. मिक्सिंग जार में ऐड करने के बाद आप इसे 2 बार चर्न करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाता है. लगभग 1 से 2 मिनट में आपका जिंजर पाउडर बनकर हो जाता है बिल्कुल रेडी. आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है. तो बस यहाँ पर आपका तैयार है ये जिंजर पाउडर. इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर किसी भी प्लास्टिक के जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं, ये जल्दी से खराब नहीं होता है. अब मैं बताती हूँ आपको इसके बेनिफिट्स. आप इसका यूज कर सकते हैं जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दी जुकाम तो हर किसी को होता ही रहता है. तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें 1 स्पून ये जिंजर पाउडर ऐड करके उसको अच्छे से उबाल लीजिए. जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको पीजिए. तो इससे आपकी जुकाम और खांसी में काफी रिलीफ मिलेगा. साथ ही में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब भी ये है बेस्ट. 3rd पॉइंट के अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तब भी आप इस जिंजर पाउडर का यूज कर सकते हैं. आपको हर सुबह जिंजर पाउडर की चाय बनाकर पीनी है तो इससे आपके डाइजेशन में काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा.
साथ ही साथ स्किन केयर में इसके हैं बहुत सारे यूजेस, वो मैं बताने वाली हूँ आपको अपने दूसरे चैनल पर। तो जल्दी से इस वाले चैनल के साथ साथ उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक और इनोवेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।